अध्याय 10। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो स्वयं जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए न बटुआ न झोला न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं, उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद से लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उस घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और चेलों की ओर फिरकर एकांत में कहा, धन्य हैं वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आया, यात्री ने उसे देखकर तरस खाया, उसने पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, उन 3 में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा।